अब्दुल खालिक, एक बात का जवाब दीजिए, मैं जवाब लेने जाऊं उससे पहले, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, दूसरी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। हम लोग तो हमेशा इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। हम लोग चाहते हैं सारे लोग इकट्ठा रहे, किसी के खिलाफ कोई नफरत ना हो, कोई ध्रुवीकरण ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। जॉन बार्ला, आप कर रहे हैं ये? देखिए, मुझे जो बात बोलनी, हेलो, मुझे जो बात बोलनी है वो बोलने दिए जा रहे नहीं। कहिए कहिए, समय तो कम से कम दीजिएगा, तो जिससे मैंने तो दिया सर, आप बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आज हमारा सोए भाई ने बताया कि सरकार सबको दे रही है, सब चीज, हर चीज व्यवस्था कर रही है, बताइए जो टीएमसी करने वाले का, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कुछ हिंदू भाई, सबको मिलता है। लेकिन आज का दिन में जब लॉकडाउन हुआ, उस समय मोदी जी तो सारा राशन का सारा, ना हिंदू ना मुस्लिम, ऐसे कुछ पूरा जनता को मिला। लेकिन आज का दिन में ये जो सरकार है, केवल टीएमसी करने वालों को, लोगों को मिल रहा है, और मुस्लिम भाइयों को ज्यादातर मिल रहा है, और बाकी हमारा बीजेपी कार्यकर्ता को तो मिल ही नहीं राशन। इस तरह का काम कर रहे हैं राज्य सरकार। अब बताइए, सरकार काम कर रही है बोले, ज्यादा उनको दे, आज फिर भी हमारे लोगों को तो मिलता ही नहीं है राशन पानी। लॉकडाउन के समय काफी झेलना पड़ा। जॉन बार्ला की बातों का जवाब शोएब जमाई से मैं चाहता हूं। शोएब जमाई, पॉलिसीज के समय तो ये नहीं देखा जाता कौन हिंदू मुसलमान, केंद्र सरकार तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं, पहली बात तो मैं जॉन बार्ला जी से कहूंगा कि सर, बड़ी अदब के साथ मेरे कंधे पर बंदूक रख के मत चलाइए। मैं ममता दीदी को नहीं घेर रहा हूं, बल्कि एक मुद्दे की बात कर रहा हूं कि भाई ये मसाइल हैं हमारे, इसका हल कीजिए आप, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि भाई हम उसका अल्टरनेटिव है, कैसे आप अल्टरनेटिव है भाई? पूरे पेट्रोल की महंगाई आप देख लीजिए, गैस की महंगाई देख लीजिए, आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें, उसको तो आपने ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर बोझ डाल दिया। अब अगर भी अभी भी साइलेंट है तो मंदिर मंदिर कोई घूम रहा, तो उसमें बुराई नहीं। अगर मंदिर मस्जिद पर ही वोट मिलता है और महंगाई के मुद्दे पर वोट मिलता है, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मंदिर मंदिर घूमना बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा करें। अगर जो भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण करती है, तो वो कांग्रेस को भी तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए हिंदुओं के लिए, जो ज्यादा बेहतर है। कम से कम आम जनता को राहत तो मिलेगी कांग्रेस के आने के बाद। ये तो आपने आरोप लगा दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, और इसीलिए मंदिर मंदिर जा रही है। खालिक साहब, अब्दुल खालिक साहब, इसीलिए जा रही है? नहीं नहीं, देखिए देखिए, जो जिस धर्म पे विश्वास करते हैं, मंदिर जाना तुष्टिकरण नहीं है, मस्जिद जाना तुष्टिकरण नहीं है। लेकिन ये भाजपा जो ये देश को तो तोड़ना चाहते हैं, और भाजपा क्या कर रहा है, ये जो असम सरकार के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सीधा बोलते हैं, हमें 35% वोटों का जरूरत नहीं है। ये तो नफरत फैलाना चाहते हैं, ये तो राष्ट्र को मजबूर करना चाहते हैं, राष्ट्र को वीक बनाना चाहते हैं। हम इनका खिलाफ हूँ। अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना, अगर हम तकदार राष्ट्र चाहूंगे, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। विनोद बंसल से इसका जवाब लेता हूँ। विनोद बंसल, ये मान के चला जाता है क्या कि ये 30% हमारे नहीं है? देखिए देखिए, ये जो कह रहे हैं कि 35% की जरूरत नहीं है, और इनका फोकस ये था कि 35% ही हमारे लिए सब कुछ है। ये चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट मिले ही नहीं। देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपकी डिबेट एक तरफ जा रही है। मैं आपको बड़े विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, देखिए, डेमोक्रेसी के लोगों ने मजाक उड़ा रखा है, कमाल की बात है। ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब सारे वोटर एक से हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। अब्दुल खालिक, आप प्लीज सुनिए, आपकी आवाज अभी नहीं ली जाएगी, प्लीज आप अभी सुनिए, आपके पास मैं आऊंगा। आप जब बोल रहे थे, बाकी सब सुन रहे थे आपको। विनोद बंसल, बात पूरी कीजिए। देखिए दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है ना जी, जो लोग ये कहते हैं कि 35% मुझे नहीं चाहिए वोट, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें 35% वोट ही चाहिए, तो आखिरकार उनका क्या करोगे? ये जितने भी पैनलिस्ट आपके बैठे हैं, अधिकांश उसमें यही है कि जो लोग उनको कहते हैं हमें तो सिर्फ 35% ही चाहिए, इसके अलावा चाहिए ही नहीं। ये जो भी इनकी पॉलिटिक्स है, सारी मुस्लिम सेंट्रिक क्यों है? क्या मुसलमान ही वोटर है क्या? एक बात, दूसरी बात, क्या मुसलमान माइनॉरिटी है क्या दुनिया के अंदर? भारत के अंदर कोई और माइनॉरिटी नहीं है? बंगाल के अंदर कोई माइनॉरिटी नहीं है क्या? तीसरी बात, ये जो हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदुओं के घर चलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए, और जो इस्लामिक जिहादी बड़े पैमाने पर बंगाल के अंदर घुसे चले आ रहे हैं, जो विदेशी घुसपैठ की समस्या है, जो रोहिंग्याओं की समस्या है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है, उस पर कोई नहीं बोलता। क्यों भाई, सिर्फ हिंदू मुसलमान होता रहेगा क्या इस देश के अंदर? हिंदू अब्दुल खालिक, देश की कीमत पर वोटों के चलते सब कुछ जायज कब तक किया जाएगा? जवाब लूंगा मैं आपको, आपसे। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।